वेरी 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 गुड इवनिंग बाबू लोग, कैसे आप लोग, कैसे हैं सब लोग, मजे में हैं सब लोग, मजे में हैं आप लोग। चलिए तो हम लोग चर्चा करते हैं आज रोशन बाबू, सोनू जी, दिव्यांशु जी, पता नहीं आज का 6:25 6:20 में कैसे लगा हुआ था, 6:30 बजे से होता तो हम भी थोड़ा सा गेट लगा दीजिए, हम लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं। हमको अभी पता चला कि 6:20 का क्लास है, हमके धत तेरी के भाई, मतलब अभी 4:10 से 5:10 5:15 क्या। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें। मुगल काल का पीडीएफ मिल गया होगा, 16-17 पेज का पीडीएफ, पूरा मुगल काल क्लियर है, पूरा मुगल काल क्लियर है। हम लोग पिछले क्लास में कहां तक आए थे, तो बाबर की चर्चा कर लिए थे। एक बार बाबर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी में, बाबर से रिवीजन कर लेते हैं। बाबर के बाद हुमायूं तिलकेश्वर जी, विद्यासागर जी, प्रताप राज जी, मुकेश बाबू, रवि रंजन जी, सब लोग लग रहा था 36 का वेट कर रहे थे, हम भी 36 का वेट कर रहे थे। देखो 36 हुआ है, अरे 36 से रहेगा, क्योंकि यह ऑफलाइन का भी सेटिंग है, ऑफलाइन का भी सेटिंग है। ऑफलाइन में गुड्डू लाल जी 36 से बैच स्टार्ट होगा, 36 से 7:30 तक बैच चलता है। इस शाम के 4:10 से 4 बजे से एकदम शाम का जितने भी शिफ्ट है, शाम के शिफ्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा तो शाम का शिफ्ट 4:00 से लेकर 9:30 बजे तक, रूबी जी, विक्रम जी, 4:00 से लेकर 9:30 बजे तक शाम के शिफ्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। जो जैसा बैच है वही वहां पढ़ेंगे, वहां पर भी टेलीविजन ले जाएंगे, मोबाइल कैमरा ले जाएंगे और पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जो लोग आते जाएंगे उसको उसमें रखते जाएंगे। भैया आप लोग भी आइए, वेलकम है, स्वागत है। कौटिल्या जी, इसमें बड़ी दिन को बाद हम पे बतनों की याद, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है। तो विशाखा जी, तो जो ऑफलाइन क्लास है वो ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास दोनों साथ साथ अब चलेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ साथ चलेगा। देखो 7 तारीख से फाउंडेशन बैच आ रही है, पॉलिटी का, सॉरी ज्योग्राफी का। एक बार जल्दी से इसको रिवीजन करते हैं, एक बार 2 मिनट में रिवीजन हो जाए। इंस्पेक्टर सूरज बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, सबका मैसेज आता है, आप चुपचाप सुनिएगा, सबका मैसेज आता है, चुपचाप आप सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। चौदह फरवरी 1783 को बाबर का जन्म फरगना में हुआ। पिता तैमूर वंश के, उमर शेख मिर्जा, माता कुतलुग निगार चंगेज की वंशज, पिताजी तैमूर के वंशज, पिताजी तैमूर के वंशज और माताजी देखो भाई, अब देखो चलिए आइए। तो गुड्डू लाल जी, बाबुआ काहे रोता है गुरु जी, वाकई तू सब सब समझ जाता है रे, तू सब ये तो मैक बड़ी बाहरी आवाज को कम लेता है, मैक बाहरी आवाज को कम लेता है। आइए तो हमने कहा 1494 में मिर्जा की उपाधि को धारण किया, स्पीड में चलते हैं हम लोग, हो चुका है 1494 में मिर्जा की उपाधि धारण किया। इनकी दादी एहसान दौलत बेगम, दादी का नाम एहसान दौलत बेगम की सहायता से फरगना का शासक बना। 1507 में मिर्जा की उपाधि को त्याग कर पातशाह की उपाधि, और फिर बताए थे खानवा के युद्ध के पश्चात पातशाह की उपाधि को त्याग कर बादशाह गाजी की उपाधि धारण किया, गाजी की
उपाधि धारण किया। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा उस पर ध्यान देना बबुआ, सूरज बाबू, संगीता जी, सोनू गुप्ता जी, सब लोग ध्यान देना। बाबर 5 बार आक्रमण किया था, पहला आक्रमण 1519 में। बाबर इसी युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया, बाबर इसी युद्ध में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग, बारूद का प्रयोग किया था। दूसरा युद्ध 1519, तीसरा 1520, चौथा 1524, पांचवा 1526, 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को बाबू ध्यान सुनेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी पराजय, लोदी वंश का अंत, दिल्ली सल्तनत का समाप्ति और एक नया मुगल वंश की स्थापना हुआ। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। अब क्वेश्चन पूछेगा, बाबर पानीपत के पहले युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। हमने बताया था अपनी सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चारों ओर से फैला देना और एक साथ अटैक करना ताकि दुश्मनों को लगे कि बहुत ज्यादा सेना है, घबरा कर भाग जाए। तो तुगलमा नीति का पहला प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था और वह बिल्कुल ही सफल रहा। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत की उस अवसर पर बाबर ने खूब दान दिया, सबको एक एक चांदी का सिक्का दान किया और हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। इसी दानी प्रवृत्ति के कारण बाबर को क्या कहा जाता है, कलंदर कहा जाता है। बाबर को कलंदर कहा जाता है दानी प्रवृत्ति के कारण, ध्यान से सुनिएगा, बाबर दानी प्रवृत्ति के कलंदर। अगले वर्ष 27 में खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में बादशाह जो उपाधि धारण किया था मिर्जा की उपाधि को पादशाह, पादशाह के बाद गाजी की उपाधि धर्मयुद्ध, गाजी की उपाधि धारण किया। क्वेश्चन मां पूछेगा बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर किस युद्ध को धर्मयुद्ध का, जिहाद का नारा दिया, तो खानवा, खानवा के युद्ध में किसे पराजित किया था, राणा संगा को, मेवाड़ के शासक राणा संगा को, चित्तौड़ के शासक राणा संगा को पराजित किया था। अब चलो भाई क्वेश्चन पूछेगा, बाबर 1527 में खानवा, पान खाकर चांद के घर जा, 29 में मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में, 29 में मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में, 29 में सॉरी 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 1526 28 में मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में, 28 को मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में और 29 में बाबू ध्यान सुनिएगा, 29 में घाघरा के युद्ध में अफगान शासक को पराजित किया, 29 में घाघरा के युद्ध में अफगान शासक को पराजित किया और 30 में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई। बाबर को चारबाग शैली का जन्मदाता कहा जाता है, बाबर को उपवनों का राजकुमार कहा जाता है। बाबर ने इसी चारबाग शैली में आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था। प्रारंभ में बाबर को आराम बाग में ही दफनाया गया, लेकिन बाद में आराम बाग से हड्डी गुड्डी को निकलवाकर अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया गया। उनका मकबरा वर्तमान में काबुल में है। तीन भारतीय मुगल बादशाह, बाबर, जहांगीर और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी कहा जाता है, वर्तमान भारत के बाहर मुगल मकबरा है। 5-7 को का मकबरा याद रखेंगे, बाबर का काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का शाहदरा, शाहजहां का आगरा, औरंगजेब का औरंगाबाद और लगभग जितने भी थे उसके बाद सबको दिल्ली में, और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां, रंगून में भेजा गया। हो गया, अब चलते हैं भैया ध्यान से सुनिएगा, यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछता, आगरा के आराम बाग को नूर अफगान कहा गया, उपवनों का राजमर राजकुमार बाबर हुआ, आराम बाग का निर्माण बाबर ने करवाया, बाबर को पुनः आगरा, पहले आगरा में दफनाया गया फिर काबुल ले जाकर दफनाया गया। केवल मुगल बादशाह बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह, जिसका वर्तमान मकबरा वर्तमान भारतीय के बाहर है, जहांगीर का कहां, शाहदरा लाहौर रावी नदी के किनारे, बहादुर शाह जफर को म्यांमार में, बहादुर शाह जफर को म्यांमार में। हो गया आशुतोष कुमार जी, बाबर आया, चांद को देखा, पानी पिया और घर गया मर गया, घर गया मर गया। आइए
जो भी हो, बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया और इस बाबरी मस्जिद का निर्माण का जो वास्तुकार था, डिजाइनर था, आर्किटेक्ट था, किस कौन था भाई? मीर बांकी था। क्वेश्चन से बाबर की तुलना ब्रिटिश बादशाह, ब्रिटिश शासक हेनरी चतुर्थ से किया गया। बाबर के दरबार में बेहजाद नामक चित्रकार रहते थे। बाबर ने बेहजाद को पूर्व का राफेल की उपाधि दिया था। बाबर के मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह हुमायूं बना। हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 1556 तक माना जाता है, 1530 से 56। लेकिन 15 वर्ष तक हुमायूं दिल्ली से बाहर रहा, निर्वासी जीवन जीते रहा। अतः 1540 से 1555 तक मुगल काल में दिल्ली में एक नया वंश आया जिसे सूर वंश कहा गया, जिसे द्वितीय अफगान वंश के नाम से जाना गया। हो गया, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा भाई। अब देखो यहां पर लिखा हुमायूं का जीवन कार्यकाल कब से कब तक था भाई? हमने कहा हुमायूं का कार्यकाल 1530 से लेकर 1556 तक, जिसमें 1530 से 40 शासनकाल का प्रथम चरण और 55 से 56 शासनकाल का दूसरे चरण। अफगान शासक क्षेपक के रूप में सूर वंश की स्थापना 1540 से लेकर 1555 तक रहा। हो गया, अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट। हुमायूं का जन्म कहां हुआ था? हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था। कहां हुआ था भाई? काबुल में। अब क्वेश्चन पूछेगा, हुमायूं के बाबूजी का नाम बाबर और माताजी का नाम महामंगा, माताजी का नाम महामंगा। हुमायूं अपने जीवन काल के प्रारंभिक युद्ध पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें हुमायूं को कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई थी। हो गया, हुमायूं के राजनीतिक जीवन की शुरुआत पानीपत के प्रथम युद्ध को ही माना जाता है। हुमायूं ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़ा जिसमें कहा जाता है प्रारंभिक दौर में सफलता तो मिली, लेकिन अंतिम दौर में हुमायूं को क्या हुआ भाई? तो हुमायूं को शेरशाह सूरी के हाथों पराजय होना पड़ा। फिर क्वेश्चन पूछेगा बाबू, ध्यान सुनिएगा, हुमायूं को शेरशाह सूरी के हाथों पराजित होना पड़ा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हुमायूं शेरशाह सूरी के हाथों पराजित हो गया पहले कौन सा युद्ध में? तो पहले 1539 में, 1539 में, अरे भाई 1539 बक्सर कहेगा चौसा का युद्ध, कालिंजर एवं बिलग्राम 1539 में चौसा, 40 में कालिंजर या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, और 1540 के बाद दिल्ली छोड़ने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। अब देखो प्रारंभिक दौर में इन्होंने काफी सफलता मिला, किंतु बाद में इन्हें पराजित होना पड़ा। किससे? और किसी से नहीं, बिहारी शासक, एक बिहारी सब पर प्रभारी। हुमायूं ने गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहला अभियान 1531 में कालिंजर अभियान किया। अब देखो भाई, कालिंजर के बाद 1532 में दोहरिया, 1532 में दोहरिया, ये सब बहुत कम पूछता है। कालिंजर 1531, दोहरिया 1532। 1532 में चुनार के किले पर भी, चुनार के दुर्ग पर भी अभियान किया, और अंत में यहाँ के साथ दोहरिया के शासक महमूद खान लोदी थे और चुनार के शासक शेर खान थे, दोनों के बीच में समझौता हो गया और यहाँ पर दोहरिया के शासक मोहम्मद खान लोदी को पराजित कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा बाबू आशुतोष जी, बिल्कुल सही है आशुतोष जी, बिल्कुल आप वाले विश्वास जो किया है, हम आपके विश्वास पर खड़े उतरेंगे। ध्यान सुनिए, अंततः पहले 1531 में कालिंजर, 1532 में दोहरिया, और दोहरिया के शासक मोहम्मद खान लोदी को पराजित कर दिया। 1532 में हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर अभियान किया और यहाँ के शासक कौन था भाई? शेर खां, वही शेर खां जो बाद में शेरशाह सूरी बना, शेर खां को
समझौता करने के लिए बात किया, हराया नहीं, पराजित नहीं किया, हराया नहीं। अब क्वेश्चन पूछेगा, चुनार के दुर्ग को पूर्वी भारत का फाटक कहा जाता है, चुनार के दुर्ग को पूर्वी भारत का फाटक कहा जाता है। भैया सुनना हमारी बात, क्वेश्चन पूछेगा चुनार के दुर्ग को पूर्वी भारत का फाटक कहा जाता है। 1534 में हुमायूं ने बिहार के शासक को अपनी अधीनता मानने के लिए बाध्य किया। इसी वर्ष इन्होंने बंगाल अभियान किया और बंगाल जीतकर देखा कि उजड़ा हुआ था। बंगाल जीतने के पश्चात जहानाबाद नरेश आशुतोष बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा 1934 में बिहार के साथ साथ बंगाल अभियान किया और बंगाल अभियान बहुत अच्छी बात है, शेर खां फरीद खां सुनना पहले। क्वेश्चन पूछेगा बंगाल अभियान जो देखा तो वहां पर बहुत ही उजड़ा हुआ था, तो बंगाल को पुनर्निर्माण कराकर उसका एक नया नाम रखा जन्नताबाद, जन्नत मतलब स्वर्ग वाला बाद। 1534 में गुजरात के शासक राजा बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। राजा बहादुर शाह, गुजरात के शासक राजा बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया। मेवाड़ पर राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी, चूंकि राणा सांगा को खानवा के युद्ध में, याद आया, पान खाकर खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर ने पराजित किया था। अब देखो भैया ध्यान सुने, बाबर ने पराजित किया, बाद में उनकी राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा की विधवा थी कौन? राणा सांगा की विधवा कर्णावती। कर्णावती अपने अल्पायु पुत्र का सहारा लेकर शासन कर रही थी। गुजरात के शासक राजस्थान पर आक्रमण किया, राणा कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी कि मैं आपको भाई मानता हूं, आप अपनी बहन की रक्षा करें, गुजरात के राजा बहादुर शाह ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। तब हुमायूं मालवा के रास्ते गुजरात गया बहन की रक्षा करने के लिए, बहन के राखी के धागे को निभाने के लिए। हुमायूं 1534 में मालवा के रास्ते गुजरात गया और गुजरात के शासक को पराजित करके, बहादुर शाह को पराजित करके, गुजरात को जीतकर मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। 1539 में चौसा का युद्ध में हुमायूं शेर शाह सूरी के द्वारा पराजित हो गया, लेकिन सिहाबुद्दीन नामक भिस्ती, 11 जिनपिंग ध्यान सुनिए बबुआ, सिहाबुद्दीन नामक भिस्ती के मदद से वो गंगा नदी की सहायक था। भाई कौन सा? भाई तो कौन सा नदी? कर्मनाशा नदी को पार करके दिल्ली की ओर भाग गया। अब देखो भाई गोलू वैशाली जी ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, चल पिताजी का हाल चाल ठीक है, स्वस्थ हैं अब वो गोलू वैशाली? चलिए माता रानी से विनती कि वो लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि यदि परिवार के कोई बड़े बुजुर्ग या पिताजी माताजी या परिवार के कोई सदस्य अस्वस्थ हो जाता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग। तो हमने कहा सिहाबुद्दीन, ध्यान सुनिएगा बेटा, सिहाबुद्दीन नामक भिस्ती ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित होने के बावजूद भी कर्मनाशा नदी को पार करके भगा दिया। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछ संगीता बाबू, यहां पर बेटा किसी प्रकार का बफरिंग नहीं हो रहा है, बफरिंग होता तो हम इतना क्लास ले ही नहीं पाते, इतना एनर्जेटिक रहने पड़ते, हम भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाते। आइए, खुश होकर हुमायूं सिहाबुद्दीन को एक दिन का, एक सिहाबुद्दीन नामक भिस्ती को एक दिन का मुगल बादशाह बना दिया। जिस तरह से नायक सिनेमा में अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बना दिया गया, उसी तरह से हुमायूं ने कर्मनाशा नदी को पार करने में जो भिस्ती मदद किया था सिहाबुद्दीन, उसको एक दिन का दिल्ली का मुगल बादशाह बना दिया। सोनू गुप्ता बक्सर, तोरे बक्सर में। अब देखो भैया ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, अब देखो भाई क्वेश्चन पूछेगा, उस पर ध्यान देना। मुगल शासक बना दिया, एक दिवसीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या किया? चमड़े का सिक्का जारी किया। सिहाबुद्दीन नामक भिस्ती ने क्या किया? चमड़े का सिक्का जारी किया।
क्वेश्चन पूछे 1540 में पुनः कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं के हाथों बुरी तरह पराजित हुआ और उसे दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा, उसे दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा, भागते हुए अपना शादी भी किया 1541 में, 1541 में अपनी शादीनिकाह भी कर लिया। देख भैया भागो रहा था, आप 15 अगस्त 1941 को 29 अगस्त 1541 ध्यान से सुनिएगा 29 अगस्त 1541 अब 29 अगस्त 1541 को ब्याह कर लिया। किनसे भाई? हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम कौन थे? भटकल के शेख अली अख्तर की सहजादी या बेटी थी। भटकल पंजाब के क्षेत्र में, भटकल का शेख अली अख्तर की बेटी हमीदा से 29 अगस्त 1541 29 अगस्त 1541 बाबू ध्यान से सुनिएगा 29 अगस्त से क्वेश्चन पूछता है, 29 अगस्त से क्वेश्चन पूछता है, उस पर ध्यान देना। प्रारूप समिति का गठन भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। 7 सदस्य था, 7 सदस्य टोटल थे, इसमें 1+6 एक अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष कौन थे? सोफिकेटेड बॉय। अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा, 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस, बहुत अच्छी बात है, आते हैं। अब देखो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 6 अन्य सदस्य में एन गोपाला स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, ए के अय्यर, एन गोपाला स्वामी आयंगर, ए के अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादतुल्ला, टी बी एल मित्तल और डी पी खेतान, 6+1 अध्यक्ष कौन? एक अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब क्वेश्चन पूछेगा, 29 अगस्त को और क्या होता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। और क्या हुआ भाई? 29 अगस्त 1541 को मैरिज डे हुआ, किसका? हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के बीच, और दोनों से 15 अक्टूबर, लालू जी 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ, अमरकोट के राजा बीरसाल के राजमहल में। अब बाबू देखो 15 साल तक वो दिल्ली से भागा रहा, 1555 ईस्वी में ईरान के शासक शाहताहसास्प की सहायता से हुमायूं पहले मच्छी बारा फिर सरहिंद के युद्ध में क्या हुआ भाई? हुमायूं ने ईरान के शासक शाहताहसास्प की मदद से फिर से दिल्ली की गद्दी को प्राप्त कर पाया। क्वेश्चन पूछेगा 1555 में ईरान के शासक शाहताहसास्प की मदद से हुमायूं ने मच्छीबारा के युद्ध में नसीब खां एवं तातर खां को पराजित किया। अंतिम युद्ध, अंतिम शासक सिकंदर शाह सूर था, सूर वंश के अंतिम शासक सिकंदर शाह सूर सरहिंद के युद्ध में पराजित करते हुए भारत को दोबारा स्थापित हो गया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेकिन क्या करेगा भाई? 1540 से भागा, 41 में ब्याह किया, 42 में बच्चा हुआ, 1555 में पहले मांस खाया तब जाकर सरहिंद की ओर गया, पहले मांस खाया नसीब और तातर खां को मार के मांस खाया तब जाकर सरहिंद पर सूर वंश के अंतिम शासक सिकंदर सासूर को पराजित करते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और दोबारा दिल्ली पर आसीन हुआ। लेकिन क्या करेगा भाई? 1556 ईस्वी में अपने ही द्वारा बनाए गए शेर ए मंडल उर्फ दीन पना, जो उनका निजी लाइब्रेरी था, किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ते पढ़ते सीढ़ी पर उतर रहा था,
लह पैर फिसला, लटका तो लटक ले, लुढ़का तो लुढ़क ले रह गया और उनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेन पुल ने कहा हुमायूं का पूरा जीवन लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और जीवन भर लड़खड़ाते हुए उनकी मृत्यु भी हो गई। क्लियर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ, क्लियर। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अब देखो हुमायूं का मकबरा से कई प्रकार का क्वेश्चन आया। हुमायूं का मकबरा अकबर के शासनकाल में 1554-64 ईस्वी में अकबर की माता हमीदा बानो बेगम या हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम की देखरेख में किया गया था। इसका सबसे प्रमुख विशेषता है इस मकबरे में पहली बार हल्का सा संगमरमर का प्रयोग किया गया। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन थे भाई? हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मीर मिर्जा गयास, मीरक मिर्जा गयास था। अब देखो बाबरी मस्जिद का वास्तुकार मीर बाकी, बाबरी मस्जिद का वास्तुकार मीर बाकी। बहुत अच्छी बात, आगे सोफिकेटेड भाई बाबू सुनिएगा, सब लोग सुनिएगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग भी बता रहे। तामने का हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा गयास था और यह हमीदा बानो बेगम अपने ही देखरेख में 1564 में करवाई थी। क्वेश्चन पूछेगा इस मकबरे पर ईरानी प्रभाव और हिंदू प्रभाव दोनों देखा जाता है, अतः इंडो इस्लामिक शैली, इंडो इस्लामिक शैली हो गया, हिंदू और ईरानी दोनों का प्रभाव देखा जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी मकबरा, मतलब ताजमहल में जो प्रारूप दिया गया उस प्रारूप को पहली बार हुमायूं के मकबरे में भी प्रयोग किया गया है, अर्थात हुमायूं के मकबरे को क्या कहेंगे, ताजमहल का पूर्वगामी मकबरा या ताजमहल का निकष नमूना, उत्कृष्ट नमूना, या ताजमहल का नेक्रोपोलिस कहा जाता है। उत्कृष्ट नमूना को क्या कहते हैं, ताजमहल का नेक्रोपोलिस कहा गया। बाबू देखो हुमायूं के मीरक मिर्जा गयास वास्तुकार थे, डिजाइनर थे, आर्किटेक्ट थे। क्वेश्चन पूछेगा अभिषेक जी हिंदू और इस्लामिक दोनों शैली का प्रभाव पड़ा, हिंदू शैली में पंचरथ का प्रभाव देखा गया। मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी या इसे ही कहते मुगल काल का निकष नमूना या नेक्रोपोलिस कहा जाता है। मकबरे में एक वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे को एक वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। बाबू देखो जो पत्नी ने अपने शौहर से, पत्नी ने अपने शौहर से जो इश्क किया था, उस इश्क को अपने नियंत्रण में, अपने निर्देशन में मकबरे को तैयार करवाया। 1533 में दीनपना नामक महल का निर्माण, दीनपना नामक दुर्ग का निर्माण 1533 में, 56 में लुढ़क कर चला गया। क्वेश्चन पूछेगा हुमायूं बहुत, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही विद्वान बादशाह था, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करता था, सात ज्योतिष के सातों दिन के अनुसार सातों रंग का वस्त्र धारण करता था, विद्वान के साथ साथ विद्या का अनुराग करते थे, मतलब खूब पढ़ता। तो लाइब्रेरी खोल दिया अपने लिए, इतने बड़े विद्वान थे कि पूरा का पूरा लाइब्रेरी खोल दिया। वह तुर्की फारसी अरबी भाषा का जानकार था, वह तुर्की फारसी और अरबी भाषा का जानकार था। वह एक अच्छा योद्धा भी था और घुड़सवार, ध्यान सुने, घुड़सवार और तीरंदाजी का प्रशिक्षण भी दिया था। देख भैया तीरंदाजी और घुड़सवार का ट्रेनिंग भी लिया था। हुमायूं में एक कंफ्यूजन था, एक डिमेरिट था कि वह ड्रग्स का एडिक्ट था, वह ड्रग एडिक्टेड था, वह डेली अफीम का सेवन करता था, डेली सुबह से लेकर शाम तक आंख चर ले रहता था।
अब देखो भैया, देखो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा हुमायूं अफीम का भी सेवन किया, चलिए कंप्यूटर जी जरा सा दिखाइए हम लोग को। हाँ नसरी था, चलिए आ गए हम लोग हुमायूं के मकबरे के पास, हम लोग आ गए हुमायूं के मकबरे के पास। देखो भैया हुमायूं के मकबरे में आंशिक रूप से सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। हुमायूं के मकबरे में ईरान और ईरानी और हिंदी दोनों का, हिंदी के पंचतंत्र का या पंचमहल का, पंचरत्न का प्रभाव देखा जाता है। अब देखो बैठे बैठे हम लोग पहुंच गए हैं हुमायूं के मकबरा, मिर्जा मीरक, मिर्जा गयास इसके वास्तुकार थे, टाइल्स लगा हुआ है। यह कब था? 1564 में, याद रखें इनके लिए 16 चौका 64 नहीं 15 चौका 64, 16 चौका 64 नहीं 1564, 1564 में इस मकबरे का निर्माण बीबी हमीदा बानो बेगम की देखरेख में, हमीदा बानो बेगम की देखरेख में। अब क्वेश्चन पूछेगा ध्यान से सुनना, इस मकबरे को एक पत्नी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है, एक पत्नी की महबूबाना पेशकश, अनारकली का संबंध जहांगीर से। आइए भाई, एकदम नसेरी गजरी था। हुमायूं के दरबार में दो प्रमुख चित्रकार अब्दुल समद और सैयद अली रहते थे, जिसमें जिनके चित्रकला का संग्रह खानदान ए तैमूरिया कहलाता है। हुमायूं ने नई दिल्ली में, आया हुआ है क्वेश्चन, नई दिल्ली में मीना बाजार, अब देखो यह मीना बाजार में कर्मचारी की, दरबारी के कर्मचारी की महिलाएं बाजार लगाती थी और दरबार की राजा रानियां, राजा के परिवार के सदस्य खरीदारी करने के लिए जाते थे। देखो भैया क्वेश्चन पूछेगा, मीना बाजार, हुमायूं मीना बाजार की शुरुआत किया, जिसमें कर्मचारियों की पत्नी बाजार लगाती थी और राज परिवार के लोग वस्तु की खरीदारी करते थे। लुनटुन जी क्लियर हो गया, मीना बाजार हुमायूं, कजेरी हुमायूं, विद्वान हुमायूं। अब देखो भैया क्वेश्चन पूछेगा, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो सिरही से लुढ़क कर, किसका सिरही भाई? दीनपना भवन 1533 में, मृत्यु हुई 1556 में। अब देखो हुमायूं की बात बात चले, सूर बन चुकी 1540 से 1555 के बीच। हुमायूं, ए भैया आप कितने भाई बहन थे उतना कहल याद रखिएगा, हुमायूं कितना भाई था। हटाओ ना, जागो भाई था, त्यागो भाई था, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है कि हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, फिर आया जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, फिर आया अकबर द्वितीय, तब आया कौन सा? अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, बहुत अच्छी बात है, मीना बाजार कौन? मीना बाजार हुमायूं, मीना बाजार हुमायूं। अब क्वेश्चन पूछेगा, स्वास्तिक का चिन्ह, एक बाबू कहा कि स्वास्तिक का चिन्ह हुमायूं के मकबरे में क्यों है? कहा है भाई स्वास्तिक का चिन्ह, कहा है स्वास्तिक का चिन्ह बताओ? इसे स्वास्तिक का चिन्ह थोड़े कहेंगे, यह ज्योतिष का पहचान है, ज्योतिष में ऐसा देखे होंगे आप लोग,
ज्योतिष विधि का कोई जानकार होंगे तो ये ज्योतिष में ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, जो ध्यान सुनेगा, यह ज्योतिषी का प्रमाण है, यह ज्योतिषी का प्रमाण है, मुख्य दरवाजे पर ज्योतिषी का प्रमाण दिख रहा है कि इसी तरह से ज्योतिष में ऐसा चीज होता है। अब देखो भाई, स्वास्तिक नहीं है, ज्योतिष का प्रमाण है सोनू बाबू। तो सूर वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी अफगान था, अब बहलोल लोदी भी अफगान था। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा बाबू, ध्यान सुनेगा, हाँ हाँ दिल्ली वाला मीना बाजार, क्वेश्चन पूछेगा बाबू, ध्यान से सुनेगा। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि बहलोल लोदी के द्वारा स्थापित वंश को, बहलोल लोदी के द्वारा स्थापित वंश को लोदी वंश कहा गया, प्रथम अफगान वंश, और शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित वंश को सूर वंश कहा गया, जिसे द्वितीय अफगान वंश कहा जाता है। सूर वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अब्बास खान शेरवानी के द्वारा तोहफा ए अकबर शाही से मिलता है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। इनके पिता हसन खां थे, जो बहलोल लोदी के दरबार में काजरत थे। बाद में बहलोल लोदी ने हसन खां को बिहार का सूबेदारी दे दिया, बिहार के सासाराम की सूबेदारी दे दिया। अब क्वेश्चन पूछेगा, हसन खां की मृत्यु के बाद फरीद खां, ध्यान सुनिएगा, हसन खां की मृत्यु के बाद फरीद खां उर्फ शेरशाह सूरी को बिहार के सासाराम की जागीरदारी मिला। अब क्वेश्चन पूछेगा, फरीद खां को उनके वीरता से प्रसन्न होकर अपने दरबार में रख लिया और इन्हें शेरशाह की उपाधि दिया। क्वेश्चन पूछेगा, शेरशाह सूरी ने बाबर के मृत्यु के पश्चात 1530 में बाबर की मृत्यु हुई, चुनार के किला पर घेला डाल लिया, 1532 में चुनार के किला पर जब हुमायूं आक्रमण किया तो दोनों के बीच समझौता हुआ, लेकिन चुनार का किला दिया नहीं। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ और चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पहली बार पराजित किया। हालांकि हुमायूं सिहाबुद्दीन नामक भिस्ती के मदद से कर्मनाशा नदी को पार करने में सफल रहा। 1540 में पुनः कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को फिर से पराजित किया और इस बार उन्हें दिल्ली छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिया। बताए थे 29 अगस्त 1541 को हुमायूं निर्वासित जीवन जीने के दौरान हमीदा बानो बेगम से निकाह किया और 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के राजमहल में अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं ईरान भाग गया। 1555 ईस्वी में शाह ताशाफ की मदद से पहले मांच खाया, तब सरहिंद पर गया। नकीब खां तातर खां को मछिवारा के युद्ध में पराजित किया और सिकंदर शाह सूर को अंतिम युद्ध में पराजित किया 1555 के सरहिंद के युद्ध में। आइए, वो सब हो गया था, यहां तक आइए। हमने कहा बिहार के नुमानी शासक ने शेरशाह सूरी की वीरता से प्रसन्न होकर अपने दरबार में भी रख लिया, इन्हें फरीद खां को शेरशाह की उपाधि दिया। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में चुनार के किला पर अधिकार कर लिया। 1539 में चौसा के युद्ध में, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली छोड़ने के लिए बात कर दिया। 1540 में शेरशाह सूरी ने दिल्ली में मुगल वंश के स्थान पर एक नया वंश सूर वंश की स्थापना किया, जिसे दूसरे अफगान वंश कहा जाता है।
दूसरा हाँ शेर को मार दिया था, वीरता ने वही हुआ शेर को मार दिया था, इसके वजह से इन्हें शेर खान की उपाधि दिया, फरीद खान को शेर खान की उपाधि दिया। इनके द्वारा स्थापित वंश को क्या कहेंगे, द्वितीय अफगान वंश। सूर वंश को क्या कहा गया, द्वितीय अफगान वंश कहा गया। देखो भैया सुल्तान बनने के पश्चात एलसा सूरी ने 1542 ईस्वी में अपना पहला सैन्य अभियान मालवा के शासक मल्लू खां के खिलाफ किया, मालवा के शासक मल्लू खां के खिलाफ किया, मालवा के शासक मल्लू खां के खिलाफ किया पहला सैन्य अभियान 1542 में। 1543 में रायसीन के शासक पूरनमल, कहा जाता है पूरनमल, रायसीन के शासक पूरनमल ने शेर शाह सूरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। फिर भी लुंटू जी पूरनमल ने शेर शाह सूरी की अधीनता को स्वीकार किया, पराजित हुआ, अधीनता को स्वीकार कर लिया। फिर भी शेर शाह सूरी के सेना रायसीन के किला को प्रवेश करके, रायसीन के किला को तोड़कर महिला दरबार में प्रवेश करने, महिला राजमहल में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन राजमहल में प्रवेश करने से पहले नुमानी शासक टाइटिल था भाई, राजमहल में प्रवेश करने से पहले सभी राजपूत महिलाएं जौहर विधि से आत्महत्या कर ली। याद करेंगे जब 1303 ईस्वी में, याद आया अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया था, वहां पर भी रानी पद्मावती के साथ साथ, रानी पद्मावती के साथ साथ अन्य राजपूत महिला ने भी जौहर विधि से आत्महत्या की थी। क्वेश्चन पूछेगा 1542 में मालवा के शासक मल्लू खां को पराजित किया, 1543 में रायसेन के शासक पूरनमल को पराजित किया और पूरनमल के पराजित होने के पश्चात शेर शाह सूरी की सेना रायसीन के किला में प्रवेश कर लिया, लेकिन किला में प्रवेश करने से पहले ही राजपूत महिलाएं ने जौहर विधि से आत्महत्या कर लिए। तो कहा जाता है जब पूरनमल शेर शाह सूरी की अधीनता को स्वीकार कर ही लिया तो शेर शाह सूरी की सेना को क्या यह था, क्या यह जरूरी था कि महल में प्रवेश करके महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा। तो छेड़छाड़ से बचने के लिए महिला ने अग्नि को पूजा किया और आग में जाकर सब कूद गई। इस प्रतिया को, इस विधि को, इस प्रक्रिया को जौहर विधि कहा जाता है। अतः शेर शाह सूरी के चरित्र पर काला धब्बा यही रायसीन का किला, रायसीन अभियान साबित हुआ। 1500 ध्यान सुनिएगा, 1500 पूरे इतिहास में बहुत जगह मिलेगा। चलो 1544 में मारवाड़ के शासक ध्यान सुनिएगा, मारवाड़ के शासक महलक देव को पराजित किया। मारवाड़ अभियान के दौरान शेर शाह सूरी ने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो चुका था, पंद्रह सौ पैतालीस में कालिंजर अभियान किया और कालिंजर अभियान में शेर शाह सूरी ने ओखा चला रहा था, खुद तोप चला रहा था। पहला प्रयोग बाबर ने किया था, बारूद का प्रयोग बाबर ने किया था 1519 में, तो ओखा या तोप चला रहा था। लेकिन कहा जाता है कालिंजर का दीवार इतना मोटा था, दरभंगा महाराज के दीवार जैसा मोटा, कालिंजर का दीवार उस तोप का गोला ने कालिंजर के दीवार को तोड़ नहीं पाया, कालिंजर की दीवार से टकराकर वह तोप का गोला रिफ्लेक्ट हुआ
और शेरशाह सूरी के पास आकर गिर गया। गिरने के बाद तोप का गोला फट गया और शेरशाह सूरी की वहीं पर मृत्यु हो गई। सैनिकों के द्वारा उनके अस्थि पंजर को सासाराम में दफनाया गया। उनका मकबरा सासाराम में ही स्थित है। इस मकबरे का निर्माण खुद शेरशाह सूरी ने किया था। इस मकबरे पर हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली का प्रभाव है। कभी देखे होंगे शेरशाह सूरी का मकबरा, चलिए जरा सर चलते हैं सासाराम में। जो लोग सासाराम के होंगे चार ओर झील ही पानी ही पानी है। क्या भाई, पानी ही पानी है और पानी के बीच में एक भैया ये दिखाया नहीं, ये दिखाए नहीं, बढ़िया से दिखाता तो अच्छा लगता है। बिहार का है, नेटवर्क में नहीं होगा, पहले पता चल गया था कि जैसे धुंधला दिख रहा। यही शेरशाह सूरी का मकबरा है अपना बिहार में, जो खुद शेरशाह सूरी ने बनाया था। इस मकबरे में जाएंगे, ध्यान सुनिएगा, इस मकबरे में बाहरी तौर पे मिथिलेश बाबू, बाहरी तौर पे क्या है, मुस्लिम शैली का प्रभाव है, जबकि आंतरिक शैली में हिंदू शैली का प्रभाव है। मतलब हिंदू और मुसलमान इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है। अब चलते हैं भाई, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि मकबरे का निर्माण खुद शेरशाह सूरी ने करवाया था और मकबरे में क्या है भाई, सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी ने सासाराम में झील के अंदर मकबरा का निर्माण करवाया, जिस पर हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली का प्रभाव देखा जाता है। अष्टकोणीय यह मकबरा पर बाहरी भाग में मुस्लिम शैली और आंतरिक भाग में हिंदू शैली का प्रभाव है। शेरशाह सूरी के मृत्यु के पश्चात कई और शासक हुए। शेरशाह सूरी के मृत्यु के पश्चात कई और शासक हुए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अंतिम शासक सिकंदर शाह सूर को सरहिंद के युद्ध में, मछिवाड़ा नहीं, सरहिंद के युद्ध में पराजित किया। मछिवाड़ा में क्या था, नसीम खां और तातर खां, सरहिंद के युद्ध में पराजित करके हुमायूं ने दिल्ली में पुनः मुगल वंश की स्थापित किया। अब देखो, शेरशाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा मुबारक अली बाबू, शेरशाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। शेरशाह सूरी को अकबर का पुरोगामी कहा जाता है। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जो सुधारात्मक कार्य किया, छोटा सा कार्यकाल था, 1540 से 1545। अब 5 साल का शासनकाल, बहुत काम किया, जीटी रोड बनाए, राजस्व के क्षेत्र में काम किया, चांदी का रुपया जारी किया,
जाति प्रणाली के जनक टोडरमल थे और वही टोडरमल अकबर का सेवा भी किया था, अकबर के नवरत्न में भी एक था। शेरशाह सूरी ने, चलो भाई शेरशाह सूरी ने शासन काल में कई सुधारात्मक कार्य किए, जैसे राजस्व के क्षेत्र में जाएंगे तो इन्होंने राजस्व का निर्धारण भूमि के माप कराकर, मेजरमेंट कराकर करवाया। इस प्रक्रिया को जाप्ती प्रणाली कहा गया। अब मापी के लिए एक मीटर का प्रयोग किया, गज का प्रयोग किया, जिसे इलाही गज या सिकंदरी गज कहा गया या सन की डंटी कहा गया। देख भैया सिकंदर लोदी ने सिकंदरी गज, तो जो पहले से चल रहा था उसी को चालू किया, उसी को चालू किया। भैया ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा बबुआ, शेरशाह सूरी ने भूमि की वो कर की वसूली नगद और अनाज दोनों रूप में लिया, जिसको जिस रूप में देना है बेटा दो, लेकिन दो, भूमि कर की वसूली नगद के रूप में भी दिया और अनाज के रूप में भी दिया। शेरशाह सूरी ने जरीबाना, जरीबाना मतलब माफी करवाने के लिए, जरी अभी भी जाइएगा गांव में अमीन है, अमीन के पास जरीबाना है, जरीबाना मतलब जरी कहा जाता है, अमीन साहब जो लोहा का जरी लेके मापते हैं। लोहा का क्यों रहता है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी कम रहता है, रस्सी से लेगा फित्ता से लेगा तो इसको टूटने फूटने या खींचतान करने में हो सकता है दिक्कत। क्वेश्चन पूछेगा, शेरशाह सूरी ने जरीबाना और मुहासलाना नामक दो दस्तावेज जारी किया। जरीबाना होगा भैया, 10 मिनट रुक जाओ, इसको क्लियर कर लेते हैं, टाइम है अभी, इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। जरीबाना क्या था, किसानों के द्वारा भूमि की मापी करवाकर उसके बदले दिया गया एक ब्यौरा था, जरी से करवा लिया कि हमारे पास इतना खेत है, इतना जरी है, इतना जमीन है। और मुहासिलाना था, जो किसान मापी कराने से बचने का प्रयास करता था उसे मुजबानी बना दो दस्तावेज। एगो हुआ ऐसा पेपर, एगो हुआ ऐसा पेपर, शिकायत वाला बाबू सोनू गुप्ता ध्यान सुनिए, एगो हुआ ऐसा पेपर जो मापी पर कराकर तैयार किया जाता था जरीबाना, एगो मुजबानी बना दो भाई पेपर मुहासिलाना, तो जरीबाना और मुहासिलाना का व्यवस्था किसने किया भाई, शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन पूछेगा, शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत, बाबू ध्यान से सुनिएगा, पट्टा और कबूलियत ही एक प्रकार का दस्तावेज था। एक तरफ जरीबाना, बाबू सुनना, जरीबाना मापी कराकर दस्तावेज तैयार किया जाता था, आ मुहासिलाना मुजबानी भरबली एक ब्यौरा होता था कि आपके पास इतना जमीन है, तब जाके वह जाता था सुल्तान के पास। आ सुल्तान क्या करता था, एक पट्टा नामक दस्तावेज लिखाता था जिसमें किसानों के जमीन का, संपत्ति का ब्योरा, टैक्स का ब्योरा, टैक्स अदा करने की तारीख, जो सुल्तान के द्वारा किसानों को भेजना पड़ता था, भेजा जाता था। पट्टा क्या था, सुल्तान द्वारा किसानों को भेजा गया जरूरी दस्तावेज, भेजा गया जरूरी दस्तावेज। जबकि कबूलियत, जो किसान की सुल्तान के द्वारा पट्टा को स्वीकार कर लेता था, उस किसान के द्वारा भी सुल्तान के पास एक दस्तावेज भेजना पड़ता था जिसे कबूलियत, जैसे वहां से आया तो हमको कबूल हुआ तो हम लिखेंगे कबूल है, कबूल है, कबूल है, हम एक दस्तावेज भेजेंगे, लिखा होगा। यह दोनों व्यवस्था, दस्तावेज होता था पट्टा, सरकारी दस्तावेज था जिसमें किसानों के जमीन का ब्योरा, लगान अदा करने की तारीख लिखा होता था। जिस किसान को सरकार के द्वारा पट्टा स्वीकार होता था वह किसान सरकार को एक दस्तावेज भेजता था जिसे कबूलियत कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार किया और मुद्रा के क्षेत्र में सुधार करता हूं, 178 ग्रेन का, बड़ी सुंदर 178 ग्रेन का। धीरज कुमार शाह जी चले पिताजी को चरण स्पर्श, बाबू ध्यान से सुनिए, 178 ग्रेन का चांदी का रुपया जारी किया। इस तरह पहला मुगल बादशाह, पहला मध्यकालीन बादशाह, पहला मध्यकालीन बादशाह जिसने चांदी का रुपया जारी किया, कितने ग्रेन का भाई, 178 ग्रेन का। अब देखो इस काल में सोना का असरफी कतन ये है, देखो असरफी है, ये देखो असरफी है, आज भी असरफी गांव में चलता है, आज भी गांव में पट्टा चलता है, कहते ना पट्टा से पट्टेदार, पट्टा से
पट्टेदार। क्वेश्चन पूछेगा सोना का मोहर को असरफी कहा गया, 167 ग्रेन का, 178 ग्रेन का, चांदी का रुपया, 380 ग्रेन का तांबा का दाम। तांबा का दाम तीन, तो क्वेश्चन पूछेगा दाम क्या था तांबा का सिक्का, असरफी क्या था सोना का सिक्का, रुपया क्या था चांदी का सिक्का। वर्तमान पटना की जो स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया, शेरशाह सूरी ने दिल्ली से कलकत्ता के बीच एक सड़क का निर्माण किया जो बाद में उसे पेशावर तक विस्तार किया गया। इसी सड़क को 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा पुनर्निर्माण करते हुए जीटी रोड नाम दे दिया गया। तो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो मुख्य रूप से NH2 को कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने अपने ध्यान सुनिए अपने यातायात व्यवस्था का काफी विकास किया। अपने शासनकाल में यातायात व्यवस्था के लिए ही दिल्ली से कलकत्ता पेशावर तक ले गया और चार गो सड़क भी बनाया। कहा जाता है केवल एक क्यों करे, चार सड़क बनाया शेरशाह सूरी ने, चार बड़े सड़क, बंगाल सोनारगा पेशावर इसे ही जीटी रोड, आगरा से मांडू, आगरा जोधपुर होते चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान, एक सड़क बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक, दूसरा सड़क आगरा से मांडू, तीसरा सड़क कौन भाई, तो तीसरा सड़क आगरा से जोधपुर होते चित्तौड़ और चौथा था लाहौर से मुल्तान एवं कई सराय। सराय का मतलब होता धर्मशाला, सराय का मतलब होता है धर्मशाला, चंदन जी सराय का मतलब होता है धर्मशाला। क्वेश्चन पूछेगा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा सड़क एवं सराय को सूर साम्राज्य की धमनी कहा जाता है। सड़क भी कई बनाया और सराय धर्मशाला भी कई बनाया। कहा जाता 1700 जिसे ज्यादा धर्मशाला बनाया, दिमाग पर जोर देंगे। क्वेश्चन पूछेगा 1200 से भी अधिक फलों का बगीचा फिरोज शाह तुगलक, 1700 से भी अधिक धर्मशाला किसने बनाया, शेरशाह सूरी के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन पूछेगा अनुपमा जी ध्यान सुनिएगा, शेरशाह सूरी ने दिल्ली में कुला किला एक कुन्ना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे पुरानी किला का मस्जिद कहा जाता है। जिसे कौन सा मस्जिद, पुरानी किला का मस्जिद कहा जाता है। भैया देखो अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य विस्तार था, यहां पर ले लो शेरशाह सूरी ने एगो जो सड़क बनाया था वह सड़क कहां से कहां तक था भाई, ध्यान से सुनना सड़क कहां से कहां तक था। तो पहला सड़क जो सबसे लंबा सड़क था बंगाल के सोनार गांव से यही पटना, देखो पटना चुनार ग्वालियर कालिंजर दिल्ली होते हुए लाहौर होते हुए पेशावर तक था सबसे बड़का। दूसरा बताए थे लाहौर से मुल्तान के बीच, तीसरा बताए थे चित्तौड़ जोधपुर होते हुए आगरा के बीच, और चौथा बताए थे आगरा से लेकर मुल्तान मालवा के बीच बुरहानपुर के बीच। या चार सड़क, पहला क्या था सबसे बड़ा सड़क बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक। अब इसे ही जो कोलकाता से दिल्ली तक जो सड़क बना तो इसे ही NH2 कहा जाता है, NH2 इसे ही जीटी रोड का नाम दिया गया। दिल्ली से पंजाब का बागा बॉर्डर तक NH होता दीपा दी को आगम मुचे कोचे कोलम बरका DGM। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं शेरशाह सूरी क्लियर। अगला चीज देखो भैया आपकी जानकारी के लिए वो चीज बता रहे हैं, जल्दी से सुनिएगा। और आज रात के 12 बजे जैसे बजेगा आपको जितने भी विशेष छूट दिया गया है, आपको जितने भी विशेष छूट ऑनलाइन क्लास में दिया गया है 200 रुपया का, जिस बैच में हिस्ट्री फाउंडेशन, ज्योग्राफी फाउंडेशन, पॉलिटी फाउंडेशन, बायोलॉजी फाउंडेशन, बिहार दरोगा PT, बिहार पुलिस PT, NTPC PT, सब में प्रिंस कुमार सब में क्या है भाई 200 रुपए का छूट है। हालांकि 3 जनवरी को हमने नव वर्ष के स्वागत के अवसर पर दिया था, जैसा आप लोग सब इंस्पेक्टर सूरज बाबू हम लोग जब
पुराने साल को अलविदा किए थे और नए साल का शुरुआत किए थे, वेलकम किए थे, उस समय विशेष ओकेजन के अवसर पर मैंने दिया था। तो इस ऑफर का लाभ जरा सा टोला मोहल्ला सड़क खलियान दुकान से लेकर ऑफिस तक बेटवा लोग, जरा सा बउवा लोग, सुगवा लोग, जरा सा भेजवा देना। रात के 12 बजे ऑफर किसी भी कंडीशन में समाप्त हो जाएगा। और ऑनलाइन का बैच आ रही है 7 तारीख से सुबह में। जिनको पेमेंट नहीं हो रहा, शशांक शेखर जी पेमेंट नहीं हो रहा, आप बात कर लेंगे 94 वाले नंबर पे, बात कर लेंगे 80 वाले नंबर पे, बात कर लेंगे 94 या 80 वाले नंबर पे बात कर लेंगे, कुछ सारा समाधान हो जाएगा। ऑफलाइन क्लास 7 जनवरी से, टाइम सुबह 9 बजे से। सुबह के शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट थे उनको इसी टाइप में बुला रहे, क्योंकि कोरोना के गाइडलाइन के कारण 50% ही उपस्थिति रखना है, 6 फीट की दूरी बना के रखना है, 6 फीट की दूरी, और मास्क है जरूरी, नो मास्क नो एंट्री। जो लोग मास्क पहन के नहीं आएंगे उनको 200 रुपए का फाइन लगेगा प्रदीप कुमार के मार्फत से, अपने अपने सब पहन के आएगा। हो गया, सारी सुविधा अवेलेबल रहेगी, वेलकम है आप लोगों को। ऑफलाइन क्लास में भी वेलकम रहेगा और ऑनलाइन क्लास का ऑफर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं 8 बजे टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्या, जय बिहार, जय मिथिला। आपकी बार DSS जय कौटिल्या, जय बिहार। आपकी बार रेलवे पार जय कौटिल्या, जय बिहार। आपकी बार बेरोजगारी पार जय कौटिल्या, जय बिहार। धन्यवाद बाबू लोग।